हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड की। ठीक है, इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है? देखिए, पब्लिक इंट इंडेक्स ऑफ, और ये आर्गुमेंट मिलेगा एक कैरेक्टर। ठीक है, सिर्फ एक कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर ये, और ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो इट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर। फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर का इंडेक्स ये रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल स्ट्रिंग एस टी हमने लिखा हुआ है, गी की सोच, और आपने लिखा हुआ है एस टी डॉट इंडेक्स ऑफ ई, तो ये रिटर्न करेगा इस ई का इंडेक्स, यानी कि 0 1, यानी कि ये रिटर्न क्या करेगा, 1 1 इंडेक्स में ई है आपका। यहाँ दो ई है, एक पहला है एक दूसरा है, लेकिन ये फर्स्ट ऑकरेंस वाले को ही रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अगर आपको लास्ट वाले को चाहिए तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पब्लिक इंट लास्ट इंडेक्स ऑफ। यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से लिखी सोच लिखा मैंने, और इसमें सिर्फ आपको लिखना लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड यूज़ करना है। ई लिखेंगे तो आपको ये जो लास्ट में ऑकर होगा वही आपको दिखाई देगा, ई इसका इंडेक्स आपको दिखाई देगा, यानी कि 0 1 2 आपको दिखाई देगा। चलिए इसका एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ स्ट्रिंग नेम गीकी सोज, और यहाँ मैंने लिखा हुआ इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स स्मॉल लेटर में है और ऑफ का ओ कैपिटल है। ठीक है, और एस लिखा हुआ है, तो एस कहाँ है, एस यहाँ फर्स्ट ऑकरेंस, ये इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस को ही बताएगा, फर्स्ट ऑकरेंस के डिटेल को ही बताएगा, इंडेक्स को ही बताएगा। तो फर्स्ट ऑकरेंस एस का कहाँ है, चलिए देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 में। ठीक है, 5 में, यानी कि 5 इंडेक्स में एस आपका है। ठीक है, एक एस यहाँ भी है, लेकिन ये आपका नहीं बताएगा कि फर्स्ट ऑकरेंस वाले को बताएगा। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन किया मैंने, यहाँ आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा 5। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी लास्ट, इसको लास्ट वाले को चाहिए, लास्ट वाले मीन्स ये तो फर्स्ट हो गया, लास्ट वाले को चाहिए। लास्ट मीन्स ऐसा नहीं कि ये लास्ट में, तो लास्ट लास्ट एस ऑकरेंस कहाँ है इस पूरे वर्ड में, इसके आगे अगर कुछ और भी है, जैसे कि मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट एस कहाँ है, लास्ट ऑकरेंस ऑफ एस कहाँ है, तो उसमें आप लिखेंगे यहाँ लास्ट, आपको लास्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ आपको यूज़ करना पड़ेगा। याद रखिए कि लास्ट इंडेक्स ऑफ जब आप लिखते हैं तो लास्ट तो स्मॉल होगा, बट इंडेक्स का आई आपको कैपिटल लिखना है। ठीक है, और इसको अगर आप रन करते हैं तो आपको लास्ट ऑकरेंस मिलेगा इसका 9। चलिए गिन लेते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर करेक्टर का इंडेक्स नंबर पता कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग एक करेक्टर का इंडेक्स नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग के इंडेक्स को पता करना चाहते हैं तो वह भी किया जा सकता है इंडेक्स ऑफ मेथड से। ओके, चलिए इसके एग्जांपल में देखते हैं और वहीं हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है थैंक यू फॉर लविंग गीकी सोस, ये मैंने लिखा हुआ है, और मैंने यह रिजल्ट में लिखा हुआ है ST1 में मैंने लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ, और यहाँ अगर मैंने लिखा हुआ यू, मान लीजिए यू को हटाकर हम क्या करते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या इस स्ट्रिंग में, यहाँ इस स्ट्रिंग में 4 कहीं है, अगर है तो किस इंडेक्स में। ये देखिए, ये पूरा इंडेक्स आपको नहीं बताएगा, बिकॉज अगर कैरेक्टर वाइज इंडेक्स होता है तो इस कैरेक्टर को देखें फिर इस कैरेक्टर को, तो 3 इंडेक्स होते हैं इसके, तो तीनों का नहीं बता बताएगा, बट 4 यानी कि F से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 4 F से स्टार्ट हो रहा है, और ये तीनों ही मैच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक फार हम लोग बनाते हैं, ठीक है, 4 फार लविंग, ओके, सो 4 F यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है, F यहाँ भी है, F यहाँ भी है, और F यहाँ भी। ठीक है, ये क्या करेगा कि 4 पहले स्ट्रिंग को मैच करेगा कि कहाँ है 4 4 यहाँ है, यहाँ है, देखिए F यहाँ भी है, लेकिन ये इससे मैच नहीं करेगा, बल्कि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग मैच हो रहा है, एग्जैक्टली ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैच हो रहा है, तो इसको इससे मैच कर लिया, उसके बाद F का जो इंडेक्स है वो आपको रिटर्न करके यहाँ देगा। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका स्क्रीन, इसका आउटपुट स्क्रीन। ओके, इसका जो रिजल्ट है वो 10 आया है, इंडेक्स नंबर ये 10 है आपका। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं काउंट करके कि 10 में है या नहीं F। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, F आ रहा है 10 में, तो इंडेक्स वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ओके, सो बस यही है, आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।